दोस्तों आप लोग ये वीडियोस देखें, इन पे किस तरीके से व्यूज आ रखे, 182 मिलियन, 70 मिलियन, 240 मिलियन, 59 मिलियन, 29 मिलियन, 230 मिलियन। भाई आप लोग को क्या लगता है इतने व्यूज लाना हलवा है? यूट्यूब इनको इतने व्यूज देता है? भाई बिल्कुल भी नहीं। सीरियसली बताओ ना, ये बंदे अपनी वीडियोज में इतना माइंड लगाते हैं ना, इतना दिमाग लगाते हैं वीडियोज में, आज आप इनकी ट्रिक जान के ना हैरान होने वाले। आज मैं आपको सेम ट्रिक बताने वाला हूँ जो ये लोग यूज करते हैं अपनी वीडियोज को वायरल करने के लिए। अगर आप अपने यूट्यूब पे जाके #short सर्च करोगे और देख सकते हो आप लोग, सबसे ऊपर यही वीडियो आ रही है, 182 मिलियन। तो यहाँ पे क्यों आ रही है ये वीडियो, ये चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये लोग भाई बहुत तगड़ी ट्रिक ये लोग लगा रहे हैं, मैं वो चीज आप लोग के लिए ले गया हूँ। प्लीज आप लोग वीडियो का एंड तक देखना, तभी आप लोग समझ पाओगे। अब देखो यार, ये जो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये सभी तरह के चैनल्स पर वर्क करती है। आप किसी भी तरह की वीडियो बनाते हो, लाइक आप मिनी व्लॉग बनाते हो, आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो, गेमिंग वीडियो बनाते हो, ये ट्रिक सभी वीडियोस पे काम करेगी, बट एक चैनल को छोड़ के। अगर आप ओमेगल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, लाइक रिएक्शन वीडियोस बनाते हो जिसमें दो फेस होते हैं ऊपर नीचे, तो उस चैनल पे ट्रिक काम नहीं करेगी। मतलब ओमेगल वाले चैनल को छोड़ के आपका कोई सा भी चैनल है, सब चैनल्स पे आप ये ट्रिक लगा सकते हो और 100% आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और ये चीज अपनी 2-3 शॉर्ट वीडियो में अप्लाई करके देखो, आपकी कोई ना कोई वीडियो वायरल, 100% वायरल। तो यार बहुत सही चीज आज आप लोग के लिए लेके आऊँ। वीडियो को आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ पूछना चाहते हो कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी कॉमेंट में बोलो, मैं सभी के कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, सभी की रिप्लाई करता हूँ। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे वो ट्रिक काम करती है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा वीडियो को, प्लीज आप लोग एंड तक देखना। आपको अपने यूट्यूब एप्लीकेशन पे आना है सबसे पहले, और आपको यहाँ पे सर्च कर। अब देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं यार, हमारे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और आप लोगों ने किसी ने मुझे कांग्रेचुलेशन भी नहीं बोला यार, तो कमेंट में बोल देना। और हाँ, हम 1-2 दिन में लाइव आने वाले हैं, अगर आप लोग चाहते हो मैं लाइव आऊं तो कमेंट में बता देना कि मेरे को लाइव आना चाहिए। नहीं, लाइव आएंगे, सबके चैनल देखेंगे, जितने भी भाई हैं हमारे सभी के चैनल देखेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, तभी आपको पता चल पाएगा कब लाइव आया हूं। तो अभी हम अपनी वीडियो पर वापस आते हैं। आपको अपने यूट्यूब एप्लीकेशन पे आना, एंड दो चैनल्स आपको ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो आप ही की कैटेगरी के और जिनके अच्छे खासे व्यूज आते हैं, उनसे आपको आज मैं बहुत व्यूज दिलाने वाला हूं, बहुत ज्यादा व्यूज। लाइक आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो, तो आपको कोई भी दो चैनल्स ढूंढने हैं जो कॉमेडी वीडियो बनाते हो जिनके अच्छे व्यूज आते हो शॉर्ट्स पे। तो मैंने यहाँ पे ढूंढे हुए हैं क्योंकि मेरे पास एक कॉमेडी वीडियो पड़ी हुई है जिसको मैं आपको वायरल करके दिखाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे दो चैनल्स ढूंढे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक है FFYT करके, मैंने एक ये चैनल ढूंढा हुआ है जो मेरे सामने आया था। ये देखो, इस बंदे के शॉर्ट्स पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं, हमको एक ये चैनल सेलेक्ट कर लेना है। हम लोग एक तो ये वाला चैनल सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ऐसे करके स्क्रीनशॉट हमारा हो गया। हमको दूसरे वाला चैनल यहाँ पे सर्च करना है, मैंने ऑलरेडी क्यों है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, जो आपकी जैसी वीडियो बनाता हो और जिसके अच्छे खासे व्यूज आते हैं शॉर्ट्स पे, ऐसे आपको दो चैनल ढूंढने हैं। और देखना आप लोग, इन चीजों का बहुत तगड़ा फायदा आपको मिलने वाला है, आगे आप लोग को सब कुछ पता चलेगा। एक चैनल मैंने ढूंढ लिया, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चैनल सेलेक्ट किए हुए हैं। दूसरा आता है मेरा राज ग्रोवर, मैं चैनल को ओपन करता हूँ। देखो इस बंदे के भाई अच्छे खासे व्यूज आते हैं शॉर्ट्स पे, ये देखो 4 मिलियन, 7 मिलियन, 13 मिलियन, 2 मिलियन, अच्छे खासे व्यूज आ रखे हैं। मोस्ट पॉपुलर में भी इस बंदे की 120 मिलियन पे गिवे वीडियो। देखो एक हमको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आती है मेन चीज, ट्रिक कैसे लगानी है। देखो आप लोग बस कैसे मैं आपको व्यूज दिलाता हूँ। आपको अपने यूट्यूब एप्लीकेशन पे आना है, सबसे पहले सिंपल तरीके से वीडियो अपलोड कर दो, जैसे भी आप लोग करते हो, लाइक क्रिएटर शॉर्ट्स है। मेरे पास एक कॉमेडी वीडियो पड़ी हुई है, राउंड 12 का कुछ पॉडकास्ट है करके, मैं इसको यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ये देखो, लाइक ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे वीडियो हमारी अपलोड हो गई। अभी टाइटल में हम क्या डालते हैं, राउंड 12 कॉमेडी वीडियो, हमने टाइटल में डाल दिया एज ए सिंपल तरीके से, क्योंकि ट्रिक टाइटल में नहीं है, पूरी ट्रिक है भाई डिस्क्रिप्शन में। और देखना आप लोग एक बार कैसे, जो हमने दो चैनल सेलेक्ट किया ना, हमने इसको भी अनलिस्टेड पे अपलोड किया है, इसकी विजिबिलिटी अनलिस्टेड पे है। यहाँ से मैं इसको शॉर्ट्स अपलोड शॉर्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अपलोड हो रही है। अब हमको क्या करना है, हमको अपने यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन पे जाना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी। और देखो मैंने यहाँ पे नया चैनल बनाया हुआ है सिर्फ आप लोग के लिए, जिसपे 0 सब्सक्राइबर, 0 व्यूज, 0 वॉच टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा सब्सक्राइबर बेस है इसलिए मेरे व्यूज आ रहे हैं, नए चैनल पे भी व्यूज आएंगे इस ट्रिक से। कॉन्टेंट में जाता हूं और ये देख सकते हो गाइज, यहाँ पे हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे हम इसको सबसे पहले एडिट करना है, यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया। अब देखो गाइज, टाइटल में हमने डाल दिया राउंड 12 कॉमेडी वीडियो। यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम और करना है, यहाँ पे #shorts जरूर से लगाना है। ये तो देखो लगाना ही लगाना है, मैंने आप लोग को बताया है, तो 100% लगाना है, इसी से आपकी वीडियो शॉर्ट फिल्म में जाती है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सेम टू सेम टाइटल अपना कॉपी करो, डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में पेस्ट कर दो। ये चीज तो होती है भाई नॉर्मल, ये तो करनी ही करनी है आपको। अब आ रही है ट्रिक, किस तरीके से, लाइक आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है। स्पेस किस चीज के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, वो चीज भी आप लोग को पता चलेगी। एंड यहाँ पे आना है आपको, इतना स्पेस छोड़ देना है, ठीक है, थोड़ा सा और छोड़ देते हैं, थोड़ा नीचे आना है। अब आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे चले जाना है, लाइक मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे आता हूँ। एंड यहाँ पे आगे आपको सर्च करना है, मैं नई टैब ओपन करता हूँ, ये देख रैपिड टैग्स, और एक लास्ट में स्पेस दे देना है, रैपिड टैग लिख के एक स्पेस दे दो, ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर दो। अब जो ऊपर वेबसाइट आ रही है आपको इसको सेलेक्ट नहीं करना है, थोड़ा नीचे आना है एंड आपको इस वाली वेबसाइट को सेलेक्ट करना है। अब जो दो चैनल हमने सेलेक्ट किए थे ना, उनका तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे हमारी वीडियो किस तरह की, हमारा नीश किस तरह का है, हमारी है फनी वीडियो, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फनी वीडियो। एंड गाइस जैसे आप लोग इस वेबसाइट पे फनी वीडियो सर्च कर दो, यहाँ पे आपको जनरेट टैग पे क्लिक करना है, थोड़ा नीचे आना है, सबसे ऊपर आपको एक और पोर्शन मिलता है जिसमें टैग्स होते हैं, इसको भी इग्नोर करो, थोड़ा नीचे आते हैं, आपको मिलता #hashtags, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 10 hashtag दे रहा है, और ये ऐसे hashtags हैं जिन पे अभी बहुत अच्छी रैंकिंग है, बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और बहुत ज्यादा सर्च भी है। ये ऐसे hashtags आप लोग को दे रही है वेबसाइट, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स इस वेबसाइट को यूज करते हैं और इसी के थ्रू अपनी वीडियोस को रैंकिंग में लेके आते हैं, शॉर्ट फिल्म में भेजते हैं, वहां से
व्यूज लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई हैशटैग आपके नीच से बाहर जा रहा है तो उसको यहाँ से कट कर दो ऐसे करके, और बाकी इसको यहाँ से कॉपी कर लो। वापस से आप अपने यूट्यूब स्टूडियो में और यहाँ पे आके इनको ऐसे कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दो। ये देखो हमारे सारे हैशटैग पेस्ट हो चुके हैं। अब जो हमने दो चैनल सर्च किए थे उनको क्या करना है, हमने स्क्रीनशॉट लिए थे इन दो चैनल्स के, एक था राज ग्रोवर, हमको क्या करना है वापस से अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड इन हैशटैग्स के जस्ट नीचे आपको ऐसे यहाँ पे एक आपको @ लगाना है, यहाँ पे लिखना है राज ग्रोवर करके, @ मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राज, ठीक है। अब यहाँ पे चैनल्स आ जाएंगे बहुत सारे, आपको बस वो चैनल ढूंढना है। ये देखो ये रहा चैनल, हमने इसको क्लिक किया। अब आपको क्या करना है वापस से यहाँ पे @ लगाना है, देखना है कि दूसरा चैनल हमारा कौन सा था। लाइक यहाँ पे दूसरा चैनल था हमारा अमित FFYT। यहाँ पे मैं वापस से जाता हूँ अपने यूट्यूब स्टूडियो में, @ मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, यहाँ पे लिखता हूँ अमित। देखो थोड़ा सर्च करते हैं, ये आ गया अमित FFYT 6.58 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब आप बोलोगे कि भाई इनका क्या फायदा, इनका फायदा मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। वीडियो का जरा आपको डिस्क्रिप्शन का पूरा समझा दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों चीजों का फायदा क्या है, स्क्रीनशॉट लेने का फायदा क्या है गाइस, ठीक है। ये जगह किस लिए छोड़ी थी वो आप लोग को बताता हूं। आपको वापस से अपने क्रोम ब्राउजर पे आना है, वापस से यहाँ पे आपको सर्च करना है रैपिड टैग्स, ठीक है। वापस से सर्च करता हूं मैं रैपिड टैग्स, और इस बार जो ऊपर वाली वेबसाइट आ रही है हमको उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे यूज टैग जनरेटर पर क्लिक करना है। एंड अब देखना है कि हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है, हमारी वीडियो का टॉपिक है राउंड 12 वालों का कुछ पॉडकास्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यार हमारी वीडियो का कंटेंट है राउंड टू हेल का कुछ कॉमेडी है, कॉमेडी की क्लिप है गलती से जिसको मैंने शॉर्ट्स में बनाया हुआ है, तो हमको यहाँ पे राउंड टू हेल वाले टैग्स डालने, क्योंकि वो एक पॉपुलर फेस भी है तो वहां से भी हमको व्यूज मिल सकते हैं। हमको क्या करना है वापस से अपनी रैपिड टैग वेबसाइट पे जाना है, लाइक जो मैंने सर्च की हुई है, देखो यहाँ पे हमको क्या सर्च करना है राउंड टू हेल, ऐसे कुछ राउंड टू हेल कॉमेडी, राउंड टू हेल कॉमेडी मैंने सर्च किया। अब गाइस क्या होगा यहाँ पे टैग्स दे देगा आपको, रैंकिंग वाले टैग्स दे देगी वेबसाइट। ध्यान रखना यहाँ पे आपको दो चीजें मिलती है, आपको टैग्स भी मिलते हैं और हैशटैग्स भी मिलते हैं। टैग्स की वेबसाइट अलग होती है, हैशटैग्स की अलग होती है, अच्छे समझाता हूँ। ये देखो ये तो होगी टैग्स वाली रैपिड टैग्स, और उसके नीचे आओगे जस्ट तो ये होती है हैशटैग्स वाली, दोनों अलग अलग चीजें। यहाँ पे हमने टैग्स कॉपी कर लिए, टैग्स वाले पोर्शन में आते हैं एंड यहाँ पे आगे इस तरीके से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे मैं जैसे पेस्ट करूंगा ना, ये देखो ये किस तरीके से टैग्स हमारे आ गए। ये आपको पेस्ट करने अपने क्रोम ब्राउजर में जाके YT स्टूडियो को ओपन करके। अब देखो यार एक नया चैनल अगर आप लोग बना रहे हो ना, तो उस पर शॉर्ट्स वायरल करने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बार आपका चैनल ग्रो हो जाए फिर चाहे टैग्स भी मत डालना, तब भी आपकी वीडियो चलने लगी, क्योंकि जो आपके पास सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे आपकी वीडियो को बूस्ट दे देंगे, बट स्टार्टिंग में सब आपको करना पड़ेगा। लाइक देखो किस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ फोन में दिक्कत होती है जिनमें इस तरीके से टैग्स आ जाते हैं, कुछ फोन में बिल्कुल अच्छे से टैग्स आते हैं जैसे हम कॉपी करके लेके आते हैं, तो इस फोन में दिक्कत है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, इस तरीके से टैग्स आ रहे हैं यहाँ पे पेस्ट करके, तो आपको क्रोम ब्राउजर में ओपन करना होगा अपना YT स्टूडियो, वहां से टैग्स लगाओ जाके, ठीक है। मैंने आपको बस एज एग्जांपल बताया। अब आपको सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन में आना है, यहाँ पे आगे इनको पेस्ट करना है कुछ ऐसे, और यहाँ पे जो कोमाज आ रहे हैं ना, ये कोमाज आ रहे हैं जो इनको आप लोग हटा दो और इनको ऐसे कर दो कुछ नीचे करके, तो इस चीज से आपकी वीडियो को रैंकिंग मिलती है, इस चीज से आपकी वीडियो का SEO बढ़ता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो स्कोर होता है वो बढ़ता है इस चीज से। अब यार आप लोग के माइंड में एक चीज जरूर होगी कि भाई मैंने यहाँ पे ये दोनों चीज क्यों लगवाई, यहाँ पे मैंने ये दोनों चैनल्स को टैग्स क्यों किए, इनका फायदा आप लोग को बताता हूँ। लाइक हम YouTube पे जाते हैं और यहाँ पे राज ग्रोवर की जो वीडियो है, लाइक मैं इसकी इस बंदे की मैं कोई भी वीडियो प्ले कर लेता हूँ, लॉन्ग वीडियो प्ले कर लेता हूँ। अब जो इसके नीचे गाइज यहाँ पे शॉर्ट्स वाला पोर्शन आता है ना, इसमें आपकी वीडियो आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप लोग इस तरीके से टैग करते हो, जैसे मैंने आप लोग को बताया कुछ ऐसे, अगर आप लोग यहाँ पे टैग करते हो तो आपकी वीडियो यहाँ आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये देखो इस वीडियो के नीचे जितनी भी वीडियो आ रही है ना, सारी पे भाई अच्छे खासे व्यूज है, तो सपोज करो अगर आपकी वीडियो यहाँ पे आ जाए तो आपकी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज मिल जाएंगे, तो ये चीज होती है अगर किसी को आप लोग टैग करते हो। ओके तो यार आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, इफ यस अगर आप लोग के लिए सच में हेल्पफुल है वीडियो, तो प्लीज आप लोग जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।